हेलो फ्रेंड्स, आज है 10th फरवरी 2023। करेंसी वीकली एक्सपायरी है आज। डे बिफोर यस्टरडे एक स्ट्रेटेजी डिस्कस किया था, एक को ट्रेड कॉल दिया था। आइए देखते हैं कि उसका क्या स्टेटस है। डॉलर रुपी अभी है 82.56। एज पर आवर एक्सपेक्टेशन, ये जो इंक्लाइन ट्रेंड लाइन एंड द हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन एक्टेड एज ए रेजिस्टेंस एंड for last 2 days it came down. As of now we need to see whether the price at dollar rupee is taking support at 60 and moving higher or falling below that. So iske liye hame price actions ko carefully monitor karna padega. And agar hum currency future ka chart thoda dekhne ka prayas karenge to आज मॉर्निंग में इट ओपन एट 82.62 फॉर फेब्रुअरी फ्यूचर, मूव्ड हाई टू 81 एंड करेंटली एट 82.65। सो हमारा जो कॉल था 82.75 कॉल को शॉर्ट करना एंड 83.25 कॉल को बाय करना फॉर द एग्रेसिव ट्रेडर्स। सो हमने वो नेट क्रेडिट 9.75 का था और यानी 100,000 हमने यूज किया था, 100,000 लॉट्स का हमने शॉर्ट किया था बोथ साइड। और उसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट था, इन्वेस्टमेंट आपका 1,06,000 के आसपास था। फॉर कैलकुलेशन पर्पस 1,00,000 रुपया पकड़ते हैं। एंड मॉर्निंग में आके आई बुक्ड इट एट 0.0075, whereas I could have waited for it to become zero, यानी इसका जो प्रीमियम है जीरो के लिए मैं अलाउ कर सकता था। तो इन सच ए केस मेरे को और 500 रुपया मिल सकता था, 500 रुपीज। तो ऐसे भी मेरा जो टारगेट था 9,750, लेकिन जैसे ही 9,250 मिल गया मैंने बुक किया। सो यहाँ पे जो इन रिटर्न है, रिटर्न इज 9% ऑन द इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे आई डोंट वॉन्ट टू मीन कि मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया, सो दिखा रहा हूँ, दैट इज नॉट माई इंटेंशन। मेरा इंटेंशन है अबाउट डिस्कसिंग द ट्रेड। डिस्कसिंग द ट्रेड मीन्स इफ यू कैन आइडेंटिफाई ए टॉप, यू कैन शॉर्ट कॉल and wait till expiry to allow it to become zero, provided आपका जो view है वो सही है। क्या आपका view सही होगा? So यहाँ पे अगर ये 80 to 75 के ऊपर चला जाता तो धीरे धीरे मेरा ये loss होना चालू हो जाता। अभी आप बोलोगे कि आशीष 9,000 रुपया बना के खुद को टाइगर बन रहा है क्या? It's not about becoming tiger। बाजार में घनश्याम सर, शुभाशीष पानी सर, पावर ऑफ स्टॉक वाले करोड़ों में प्रॉफिट बनाते हैं। सो उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। दैट बीइंग द केस, व्हाट इज द मोटिव? मोटिव इज दैट कि कैसे ये रेंज आइडेंटिफाई करके, ऑप्शन राइट करके आप पैसा बना सकते हो। आप बोलोगे अगर इतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस था तो वाई यू सोल्ड 100 lots, you could have sold 1,000 lots, which is equivalent to $1,000,000. तो मेरा यहाँ पे 92,000 मिल सकता था। Point is this कि मैं यहाँ पे 1,000,000 बेच सकता था, तो यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट हो जाता करीबन 10,00,000 रुपये का। पहला बात है कि यहाँ पे फंड्स है नहीं, ओनली 1,85,000 है, ठीक है। दूसरा अकाउंट से मैं लेके कर सकता था, लेकिन बड़ी बात यह है जो मैं यहां पे आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूं, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू आर मेकिंग, इट्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट हाउ मच मनी यू आर रेडी टू लूज। आप कितना पैसा, कितना रुपया लूज करने के लिए तैयार हो? अगर मैं यहां पे 1,000 lots शॉर्ट कर देता, प्रॉफिट आता तो आई वुड हैव बीन वेरी हैप्पी 92,000 लेके मैं आज पार्टी। लेकिन मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या था?
इफ यू रिमेम्बर माई व्हाट्सएप ट्रेड कॉल, जहाँ पे मैंने 5 पैसे का स्टॉप लॉस दिया था, 10 पैसे का प्रॉफिट एंड 5 पैसे का स्टॉप लॉस। यानी अगर इन केस रुपी 82.75 के ऊपर जाता या 83 के ऊपर जाता, मेरा स्टॉप लॉस होना चालू हो जाता। 5 पैसा ऑन 1 मिलियन बोले तो 50,000 रुपीज। नाउ द क्वेश्चन इज दैट नहीं, जब प्रॉफिट होता 92,000 इज वेरी गुड प्रॉफिट, लेकिन क्या मैं अगर इन केस द लॉस होता तो क्या मैं 50,000 लॉस मेंटली लेने के लिए तैयार हूं? इफ यस देन नो वन कैन स्टॉप यू टू इंक्रीज द लॉस साइज। इट्स नॉट अबाउट हाउ मच मनी यू आर मेकिंग और हाउ मच लॉस यू आर मेकिंग, इट्स मोर अबाउट हाउ मच यू आर कंफर्टेबल विथ लॉस। कितना तक आप लेके हैप्पीली रात को सो सकते हो, नेक्स्ट डे आपका रेगुलर एक्टिविटीज कर सकते हो एंड आपका जो डे टू डे लाइफस्टाइल है वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। क्या मैं 50,000 लॉस लेके नेक्स्ट डे अच्छा हैप्पीली मूड अच्छे के साथ अदर एक्टिविटीज अदर काम में कर सकता हूँ? इफ यस देन आई शुड गो अहेड, इफ नो देन आई नीड टू पोजिशन साइज माई ट्रेड अकॉर्डिंगली। मेरा जो ट्रेड का जो साइज होगा, लॉट साइज होगा, उसको मेरे को करना है। सो इट्स नॉट अबाउट 9,200 रुपीज प्रॉफिट और 92,000 रुपीज प्रॉफिट और 9 लाख प्रॉफिट। इट्स मोर अबाउट, क्योंकि मेरे को अगर 9 लाख के लिए यानी 10 मिलियन अगर शॉर्ट कर देता मेरे को 9 लाख रुपया मिल जाता, लेकिन क्या मैं 5 लाख रुपया लॉस करने के लिए तैयार हूँ? That is the main question. There comes the role of money management. There comes the role of your mindset. If I am ready to lose 50,000 happily, then I should have sold 1,000 lots or $1 million equivalent. अगर मैं 5 लाख रुपया loss लेने के लिए तैयार हूँ, तो जाके मेरे को 10 million यानी 10,000 lots में sell कर सकता था। इट्स ए प्रोबेबिलिटी गेम, ट्रेडिंग इज ए प्रोबेबिलिटी गेम। आप अगर देखोगे, मैं एक एनालिसिस किया था कि ये अगर नीचे आता है एज पर माई कैलकुलेशन देन एंड ओनली देन आई विल मेक प्रॉफिट, एल्स अगर ऊपर जाएगा तो मेरा अकॉर्डिंगली लॉस चालू हो जाएगा। एंड नो वन इज मीन्स कॉन्फिडेंट एनफ टू से दैट ये ऊपर जाएगा ही नहीं, ओनली द गॉड and the liars can give guarantee। यानी ये ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, नीचे आएगा क्या नहीं आएगा, only भगवान और liar झूठे व्यक्ति ही guarantee दे सकता है। बाकी सब लोग probability के ऊपर काम करते हैं। probability, risk reward mindset, आप कितना loss लेने के लिए तैयार हो against which आप कितना profit बना सकते। सो यही माइंडसेट डिस्कशंस में ये जो ट्रेड कॉल था, ये ट्रेड कॉल देने के बाद दैट इज नॉट माय इंटेंशन कि मैं कितना अच्छा ट्रेड कॉल देता हूँ। नो, इट्स ए प्रोसेस टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ट्रेड आप अगर चाहो तो इस हिसाब से भी ले सकते हो, आप चाहो तो इस हिसाब से ले सकते हो, प्रोवाइडेड आपको द वे आई एम ट्रेडिंग, द सिस्टम आई एम यूजिंग आपको अगर पसंद हो तो। इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रेटजीज। आपको कौन सा स्ट्रेटजी अच्छा लगता है एंड कौन सा ट्रेड करना चाहिए वो आपके ऊपर है। सो यहाँ पे कितना प्रॉफिट करना है और कितना लॉस लेना है, दैट इज द रिस्क टू रिवार्ड, कितना रिस्क वर्सेज कितना रिवार्ड, दैट इज द मेन क्राइटेरिया रेदर देन हाउ मच कॉन्फिडेंट यू आर ऑन ए ट्रेड। आप कितना कॉन्फिडेंट हो आपके ट्रेड के, क्योंकि ट्रेड कभी भी उल्टा जा सकता है, कभी भी कुछ न्यूज आएगा मार्केट बूम करके ऊपर चला जाएगा, 83 हाफ तक भी जा सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो नो वन कैन गारंटी के ऊपर जाएगा ही नहीं। सो देयर प्लेज द रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड देयर प्लेज द रोल ऑफ रिस्क टू रिवार्ड। मैं कितना रिवार्ड लेने के लिए तैयार हूँ विसावी कितना रिस्क लेने के लिए तैयार। That is why here I have taken 100,000.
यानी 100 लॉट पोजीशंस, क्योंकि मैं 5,000-8,000 रुपया लॉस लेने के लिए हैप्पीली आई कैन एब्जॉर्ब द लॉसेस, बट 50,000 आई एम नॉट हैप्पी, 5 लाख रुपीज लॉस आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं भी सब्सिक्वेंटली मेरा रिस्क एपेटाइट बड़ा हो जाएगा, तब मैं 5 लाख लॉस भी ले सकता हूँ, 10 लाख लॉस भी हैप्पीली ले सकता हूँ, अगेंस्ट ए प्रोबेबल प्रॉफिट ऑफ 25 लाख एंड 30 लाख। जब होगा तब देखा जाएगा, दैट इज ए डिफरेंट डिस्कशंस ऑल टुगेदर। सो मैं यहाँ पे एक चीज है कि ट्रेड कैसे लिया जाता है, एंड दूसरा चीज है कि क्वांटिटी साइज, लॉट साइज, पोजिशन साइज कितना लेना है, क्यों लेना है, वो डिस्कस मैंने किया है। आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।